ट्वेल्व की टीम भी चारों के चारों खिलाड़ी बने हुए हैं। 10 टीम्स टू गो, 38 प्लेयर्स अलाइव इन द मैप ऑफ सैन हॉक। ये ग्लिच था जहां तक मुझे लग रहा है, बट ओके आई एम नॉट गोना मेक एनी, या इट माइट बी जस्ट अ ग्लिच हियर। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप बात करते हैं ऑरेंज रॉक ईस्पोर्ट्स की, ना ऑरेंज रॉक कॉन्फिडेंट प्ले जरूर दिखा रहे हैं। सोल के लिए एक चैलेंज ये रहेगा कि वो जोन में आगे बढ़ पाए, लेकिन वो जोन के बाहर, देखिए यहां पर नेक्सस जो है वो फंस चुके हैं जोन के बाहर, एंड सोल को भी जोन में आगे बढ़ना है। अभी जोन के बाहर से फाइट लेना, आपको ना सिर्फ जोन से लड़ना है, आपको यहां पर प्लेयर से भी लड़ना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप फाइट एंगेजमेंट अपना दिखाएंगे उतना दिक्कतें बढ़ेगी। एंड देखिए जैसे कि मैं कह रहा था, रेगल टॉस यहां पर एंगेज करते हैं नेक्सस को, नेक्सस यहां पर जरूर रिटर्न में उनको नॉक आउट करेंगे, एंड सोल के लिए दिक्कतें बढ़ती हुई करना पड़ेगा। ग्रेनेड टॉस इन किया जा रहा है, जूसी को फाइनली वीरू नॉक आउट करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी भारी भरकम डैमेज पड़ता हुआ। लेकिन जोन के बाहर ये फाइट लेने की बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी गलती यहां पर टीम सोल को, वो जोन के अंदर यहां पर पहुंचेंगे। थोड़ा सा डिले यहां पर जरूर दिखाया उन्होंने। और ये देखिए वीरू की अगर बात की जाए, उनकी तरफ से जो स्प्रे आया था, उनकी तरफ से जो बुलेट फायर की थे टीममेट बिट के ऊपर, और अभी के लिए अगर देखा जाए जीत के ऊपर ही फायर किया जा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं मिल पाएगा इस प्रकार से। कल फायदा नहीं मिल पाएगा। सोल के लिए दो खिलाड़ी बने हुए हैं, फर्स्ट एड्स भी ज्यादा काउंट्स मुझे नहीं दिख रहे। रॉक्स के पास एक है, वीरू के पास जहां तक मुझे याद आ रहा है सिर्फ दो ही फर्स्ट एड्स अवेलेबल थे। बैंडेजेस भले ही है, लेकिन जोन में जाना सोल के लिए ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। सेवंथ या फिर सिक्स्थ पोजीशन में अगर वो एलिमिनेट भी हो जाए, उनके भी यहां पर दिख रहे हैं हील बैटल करते हुए। उनके सामने रॉक्स आ रहे थे, रॉक्स यहाँ पर नॉकआउट हो जाते हैं। क्या आतंकी यहाँ पर फिनिश लेने जाएंगे? आई डोंट थिंक। वेल यहाँ पर मॉली निकालते हैं, जी हाँ मॉली ड्रॉप करेंगे ताकि अगर कोई प्लेयर यू नो वहां पर बने रहते हैं देन फिनिश पॉइंट उनके पास पॉसिबली आ जाए। देखिए आतंकी को इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि यहाँ पर उनके पास में ही रॉक्स को नॉकआउट कर रहे, तो उनका फिनिश आप निकालिए और भी आपको भी हील बैटल यहाँ पर लेते रहिए। लेकिन दलजीत कन्फर्म यहाँ पर हो जाएंगे, एंड जो हमने सोचा था शायद वो चीज पॉसिबिलिटी हो रही, यानी सैनहॉक है तो एक हील बैटल तो मुमकिन रहेगा। और हील बैटल अभी के लिए यहाँ पर आतंकी करते नजर आ रहे हैं। उससे पहले भी जो खिलाड़ी थे 17 फर्स्ट एड किट्स थी, उसमें एक मैट किट भी यहाँ पर शामिल है, लेकिन अभी के लिए वीरू यहाँ पर आएंगे, आतंकी को यहाँ पर सरप्राइज दे सकते हैं, लेकिन उनको एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता था। और जो आप बात करते वेलोसिटी का भी एलिमिनेशन इस बीच आता हुआ, देखिए वीरू ने ही रिवाइवल लेने के बाद वेलोसिटी गेमिंग के क्रेटोस को फिनिश किया, वहां पर एलिमिनेट करा पूरी लाइनअप को। बट अब एज पुश करने की बारी आ चुकी है, आप 155 मीटर दूर है, जोन की स्ट्रिंग स्पीड बहुत ज्यादा भी तेज नहीं है। हील बैटल का सहारा ना लेके एज पुश अगर किया जाए तो डेफिनेटली फायदा हो सकता है। बट AKOP coming out of nowhere, creating enough problems for Team Soul. Rocks goes down, Viru goes down. It's only Regal toss, and it's gonna be a history with the very first match. पहले मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, but that grenade जो किया यहाँ पर Smokey ने, ये मुश्किल में डालेगा Regal toss को। अच्छी बात ये कि connection नहीं बना, 5 उनके पास first aid, and I think मैंने अपनी बात जो थी उसी को दोबारा से repeat करना पड़ेगा कि 5 healings हैं, आप उसे ignore करके zone के अंदर जाइए। But अब मैं बोलता हूँ 5 healings हैं, zone के बाहर रुके heal battle कीजिए। खत्म नहीं, क्योंकि एक ही spray में उन्होंने दो को निकाला, और अब Regal टॉस के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई शायद। अब देखिए मजबूरी में तो आप करना पड़ेगा, क्योंकि आप हारेंगे तो आप फिनिश हो सकते हैं, लेकिन रिस्क लिया है, एंड रिवॉर्ड लेस फाइंड आउट इसका मिल पाएगा कि नहीं, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जी नहीं।